ओके तो जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, मास कोई एक सैंपल था उसके मास को निकालना था, ठीक है। यस, कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल, ठीक है। और दे रखा था बेटा लाइम स्टोन, ठीक है। लाइम स्टोन, लाइम स्टोन मतलब वही जो चूना पत्थर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। और जिसके अंदर यहाँ पे बोला गया था सी ए लाइम स्टोन या जो CaCO3 ऑफ, यहाँ पे कुछ प्योरिटी के बारे में बात की गई थी, राइट। एक सेकंड, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन मैं बोला कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, और यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें था ऑफ 90% प्योरिटी, 90% प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, इसका शायद मैंने एक ऑप्शन भी आप लोगों को दिए थे, करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑब्टेन वहां पे है 4.48 लीटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट एचटीपी, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन उसको अगर अच्छे से रीड करेंगे तभी हम आंसर तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो इसमें है मास आपको करना है सैंपल का कैलकुलेट, जिसमें CaCO3 आपको दिया गया है, वही सैंपल है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ही आपका सैंपल है। लेकिन जब CaCO3 को हम हीट करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है, CaCO3 को हीट करने से एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है, प्लस आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये होता है सॉलिड, और CaCO3 ये भी आपका सॉलिड है, डिकम्पोजिशन है सिंपल सा। अब इसके अंदर ये आपका ये जो CaCO3 है यही आपका सैंपल है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द सैंपल। और इस सैंपल में बोला कि 90% प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, टू ऑब्टेन 4.48 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 के बारे में है, CO2 का जो अमाउंट है वो 4.48 लीटर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो वो जो सैंपल है उसका मास आपको बताना है, जहां पर उसकी प्योरिटी है 90%, कुछ पार्ट इम्प्योर लेकिन 90% प्योरिटी उसने बोली। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ऑप्शन भी मैंने दिया था समथिंग कुछ 22.2, ठीक है, इस तरीके से ग्राम में आपको आंसर मिलेगा, ये कुछ ऑप्शन मैंने दिया था, हाँ बिल्कुल। तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व भी किया था इसके ऊपर, तो देखो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया हम लोगों ने, अब जो CaCO3 है, वन सेकेंड, ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे CaCO3 को हम कितना मान सकते हैं, सपोज मान लिया मैंने बच्चों, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है ना, रिएक्शन आपकी बैलेंस है, यहाँ पे देखो कैल्शियम कितना है आपका, 1 है एटम, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, और कार्बन की बात करते हैं कार्बन भी आपका 1 है, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। तो मैंने सपोज मान लिया कि ये जो CaCO3 है ये आपका सपोज 1 पार्ट है, 1 वॉल्यूम मैंने मान लिया, क्योंकि इसमें CaO के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, तो जिसके बारे में नहीं पूछा गया है तो उसको कैंसिल कर दो, रिएक्शन लिख लो, ऐसे क्वेश्चंस पर रिएक्शन लिख लो जो पार्ट के बारे में नहीं पूछा गया उसको फिनिश कर दो, लेकिन रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम CaCO3 है तो हमारा जो 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोल सकते हैं कि अगर 1 वॉल्यूम अगर हमारे पास CaCO3 है तो उसमें 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर ये प्योर स्टेट में होगा, अगर ये प्योर स्टेट में होगा तो इसका जो अमाउंट है, जो इसका ग्राम होगा वो कितना होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर ये प्योर स्टेट में होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आएगा, 100 ना, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आएगा, 100 ही आएगा ना, तो मतलब हाँ बिल्कुल 100 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर प्योर, अगर ये 100 ग्राम, सुनो ध्यान से, प्योर अगर ये 100 ग्राम, 100 ग्राम का मतलब वही 1 वॉल्यूम वाला पार्ट, अगर ये 1 वॉल्यूम होगा तो प्योर हम 100 ग्राम बोल सकते हैं। तो ये प्योर 100 ग्राम डिफाइन किस में हो रहा है वो समझो, अगर ये वॉल्यूम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 22.4 लीटर हो, क्योंकि यहाँ पे आपका एसटीपी आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो
तो इसको मैं देखो रिवर्स लेके चल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का वन वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, CaCO3 आपका वन वॉल्यूम है, मुझे पता है CO2 के बारे में, ठीक है, CO2 का अमाउंट है 4.48 लीटर, इसको मैं रिवर्स लेकर चलूंगा, बिकॉज HTP पे जब हम बात करते हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको मैं 22.4 लीटर लेकर चलूंगा, तो CO2 जो बना है वो 22.4 लीटर, तो CaCO3 में पहले मुझे प्योर मानना पड़ेगा, प्योर कितना 100, जब यह 100 होगा, 1 मोल होगा, तभी तो 22.4 लीटर आपका CO2 प्रोड्यूस होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, अगर ये प्योरिटी में होगा तो ही तो आपको 22.4 लीटर मिलेगा, तो मैं रिवर्स लेकर चलूंगा बिकॉज क्वेश्चन मुझे CO2 के बारे में दे रखा है, ठीक है, तो 22.4 लीटर में कितना प्योर 100 ग्राम, ऐसे में इसको डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन में गिवन है आपको 4. तो 1 में कितना होगा तो डिवाइड कर लेंगे, तो सीधा मैं बात करूंगा 4.4 लीटर, अगर ये CO2 फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 22.4 इंटू आपका हो जाएगा 4.48, ठीक है, तो जो 4.48 जो लीटर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइन की गई है कि इतनी ऑब्टेंड हो रही है, मतलब 22.4 में कितना 100 ग्राम, बात समझ में आ रही है, प्योरिटी के साथ वन मोल, और 4.48 लीटर में हम इसी CaCO3 का हम पार्ट निकालना चाह रहे हैं, इसे ग्राम निकालना चाह रहे हैं, तो जरा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये सेक्शन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 ग्राम, ठीक है, ऊपर 100 भी है, तो 20 ग्राम आपका आ जाएगा प्योर, 20 ग्राम आ जाएगा प्योर CaCO3 जो सैंपल है, तो ये समझ में आया कि 4.48 ग्राम अगर लीटर अगर CO2 आपका ऑब्टेंड हो रहा है तो उसमें प्योर 20 ग्राम आपका CaCO3 की प्रेजेंस होगी जो सैंपल है, मतलब आप इसको आप सीधा लेके चलो कि 20 ग्राम मैंने CaCO3 आपको दिया है, अगर वो प्योर है 100% प्योर है तो आपको 4.48 लीटर आपको यहाँ पे CO2 मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर तो उसने डिफाइन किया है 90, जब क्वेश्चन में 90% प्योरिटी की बात की है तो क्यों ना इसको हम 90 ग्राम को लेकर 90 ग्राम से लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जो परसेंटेज है 90% उसको मैं ग्राम में डिफाइन कर सकता हूँ ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि 90 ग्राम, सुना ध्यान से, 90 ग्राम, बिल्कुल 90 ग्राम प्योर CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल, 100 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अभी जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये स्टेटमेंट करेक्ट बिल्कुल आपको डिफाइन कर रहा है क्या, कि अगर आपका जो 90 ग्राम प्योर CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ लाइम, जो लाइम आपका 100 ग्राम है उसमें 90 ग्राम क्या है प्योर, और 10 ग्राम मैंने 90% ग्राम मान लिया मैंने, तो 90 ग्राम क्या है प्योर पार्ट है, 10 जो है वो इम्प्योरिटी है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना जो क्वेश्चन में गिवन था उसी के हिसाब से। अब मैं बोलूंगा कि अगर बेटा 1 ग्राम वही प्योर CaCO3 प्रेजेंट इन तो यहाँ पे 100 ग्राम जो आ रहा था अब यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 90 ग्राम 100 में आपका डिफाइन है भाई, प्योरिटी तो आपकी CaCO3 की 90 है ना, लेकिन सैंपल आपका पूरा 100 है, अब सैंपल में तो आपकी इम्प्योरिटी भी हो सकती है, तो 1 ग्राम के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम सैंपल, ठीक है, सैंपल ऑफ लाइम, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। और लास्ट में जो हमने निकाला था अभी वो 20 ग्राम, पता 20 ग्राम जो लिखा था ना वो प्योर का पार्ट था, तो अगर मैं 20 ग्राम की बात करूंगा तो 20 ग्राम अभी निकला था, हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन करी थी तो 20 ग्राम निकाला था, क्या मैंने सॉल्व किया था, मैंने रिएक्शन सिंपल लिखी थी, CaCO3 कन्वर्ट हुआ था CaO के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड में, पूरे क्वेश्चन को समझो, इसमें CaO से मतलब है नहीं, उसे कैंसिल कर दो आप, तो CaCO3 अगर 1 वॉल्यूम है तो CO2 कितना हुआ था 1 वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 22.4 लीटर, बिकॉज गैस गिवन है CO2 के बारे में, तो CO2 से मैं स्टार्ट करूंगा, CO2 अगर 22.4 लीटर HTP पे होगी तो उसका सैंपल का अमाउंट कितना होगा प्योर 100 ग्राम, परफेक्ट समझ में आ गया, 4.48 लीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर उस पे तो उस पे निकालेंगे तो 100 डिवाइड बाय 22.4 इनटू आपका 4.48, सॉल्व किया तो 20 ग्राम प्योर CaCO3 आ गया, मेरी बात समझ में आ गई कि 4.48 लीटर का CO2 चाहिए तो उसमें सैंपल कितना होना चाहिए 20 ग्राम प्योर CaCO3 होना चाहिए। अब वापस से क्वेश्चन पे आता है दूसरे टर्म की तरफ, अब 20 ग्राम जो निकाला था हम लोगों ने ऊपर से, 20 ग्राम को मैं रिलेट करूंगा, क्या क्वेश्चन में गिवन है कि 90 ग्राम अगर प्योर CaCO3 है, प्योरिटी है उसकी, तो उसमें हमारा लाइम कितना प्रेजेंट है 100 ग्राम सैंपल, ठीक है, 1 ग्राम की बात करेंगे 100 बाई 90,
तो 20 ग्राम जो प्योर था उस पे अब निकालने वाले हैं। तो 20 ग्राम में अगर प्योर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 100 डिवाइड बाई, ऊपर आपका ये 100 है ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 90 और इधर आपका मल्टीप्लाइड बाई 20। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहां से ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, 9 से अगर इसे अपन कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, देन 2 फिर से बचेगा, फिर से 2 टाइम्स आएगा और लास्ट में आपका 2, तो समथिंग आपका 22.2 ग्राम। ये जो आपको अमाउंट दिखा रहा है यही आपका क्या है बच्चों, सैंपल, यही आपका सैंपल है जो हम लाइव की सैंपल की बात क्वेश्चन में पूछी गई थी, यही 22.2 ग्राम आपका सैंपल। समझ में आ गया, क्लियर है सर? एक बार शॉर्ट में समझाए, थोड़ा कंफ्यूज हूं। ठीक है मैं देखो, मैं फिर से समझाता हूँ एक बार, बस सेकंड, देखो उसको मैं ना दो पार्ट में यहाँ डिवाइड करके समझा। देखो क्वेश्चन में CaCO3 गिवन था, उससे CaO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बाकी मैं और भी तरीका पूछूंगा आपसे, पहले मैं इसको पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ अच्छे से, सुनना क्वेश्चन को, पहले मैं एक बार फिर से रीड करता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन CaCO3, जो CaCO3 सैंपल, देखो क्वेश्चन रिवर्स है इसलिए आपको उसी ढंग उल्टा ही सोचना पड़ेगा, सीधा नहीं सोचना है। क्वेश्चन में है कि आपको मास निकालना है सैंपल जो लाइमस्टोन है CaCO3, उसका मास निकालना है, जहां पे 90% प्योरिटी इज रिक्वायर्ड, 90% प्योरिटी की बात की जा रही है सैंपल की, उसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको चाहिए 4.48 लीटर CO2। अब मैं रिपीट करता हूँ STP पे, सुनो कि अगर आपको 4.48 लीटर अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए है ना इस रिएक्शन के थ्रू, तो जो सैंपल है उसकी प्योरिटी कितना होनी चाहिए, 90%। समझ में आ गया, मतलब CaCO3 90% अगर प्योर होगा तो उसका जो अमाउंट होगा ना 4.48 लीटर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। CO के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कैंसिल कर दो, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें जो बोला गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपको मिलेगी 4.48 लीटर जब आपका जो सैंपल है अगर ये 90% प्योर होगा, कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया कि 90% प्योर CaCO3 होगा तो ही आपको CO2 मिलेगा 4.48 लीटर। कितना समझ में आ गया, क्लियर है? अच्छा अब yes, sir. ये तो क्वेश्चन के इनिशियल पार्ट था, अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ फिर से देखो। तो अगर मैं चाहूं तो इस CaCO3 को मैं इनिशियली बात करूं, जो हमारी रिएक्शन बैलेंस हुई है, तो बैलेंस हुई है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि सपोज दिस इज ए वन वॉल्यूम या वन पार्ट बोल सकता हूँ, और CO2 कितना बन रहा है, CO2 भी आपका वन वॉल्यूम ही बन रहा है, हम बोल सकते हैं इस तरीके से कि ये वन वॉल्यूम है तो वो वन वॉल्यूम। अब इसमें कौन सा लॉ लग रहा है, लॉ जरा बताओ मुझे, हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है बताओ मुझे। एक रिएक्शन लिखी थी ना मैंने N2+3H2 फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो वहां पे मैंने डिफाइन किया था, बताओ कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, एवोगाड्रो लॉ, कौन सा लॉ लग रहा है बताओ मुझे, ऑब्वियसली एवोगाड्रो लॉ लग रहा है, हमने जब वहां रिएक्शन लिखी हुई तो रिएक्शन में मैंने ये डिफाइन किया था कि भाई रिएक्शन को बैलेंस कर लो, हम उसको 1 लीटर बोल सकते हैं, 1 मोल करके बोल सकते हैं, कोफिशिएंट हम जितना डिफाइन है उसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं, तो मैंने इसको 1 वॉल्यूम ले लिया, भाई स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये 1 वॉल्यूम है, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा CaCO3 कोफिशिएंट 2 आता ना, 2 वॉल्यूम हम लोग बोलते हैं यहां पे, ये 1 वॉल्यूम है, अरे भाई 1 वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं, ये भी 1 वॉल्यूम है, कोफिशिएंट है ना, उसकी वजह से लिख दिया मैंने। अब सुनो, अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर एसटीपी पे अगर बात करूं तो कोई भी गैस क्या होती है, 22.4 लीटर होती है, आपको पता है एसटीपी पे, तो अगर 22.4 लीटर अगर ये गैस हमारी CO2 एसटीपी पे डिफाइन हो रही है तो इसमें सैंपल कितना होगा, तो एसटीपी वाली बात करते हैं तो हम 100% प्योर लेके सॉल्व करते हैं, 100% प्योर लेके सॉल्व करते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्योर 100 ग्राम आपको मिलेगा, परफेक्ट समझ में आ रहा है, अरे भाई वन वॉल्यूम का पार्ट मतलब 100 ग्राम ना, मैं 90% को छोड़ रहा हूँ, मैं प्योरिटी के साथ बात कर रहा हूँ, 90% को तो बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, कि ये पूरी तरीके से 100% प्योर है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, तो 22.4 लीटर आपको CO2 तब मिलेगी जब आपका 100 ग्राम पूरी तरीके से, ये जो CaCO3 है पूरी तरीके से आपका 100% आपका प्योर होगा। समझ में आ गया, अरे उसका मास लिख दिया ना मैंने भाई, वन वॉल्यूम वन मॉलिक्यूल ये है CaCO3, इसका मास कितना, वही तो लिख दिया है मैंने यहाँ पे। अब इसमें अगर 1 लीटर की बात करेंगे, 1 लीटर CO2 कितने बनेगा, तो फिर इसको कर देंगे यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 22.4,
और फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4.8 लीटर, तो 4.48 लीटर में कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाई 22.4 इंटू आपका 4.48, बस इसको सॉल्व करो तो यहां से निकल के आ जाएगा समथिंग आपका 20 ग्राम। तो 20 ग्राम आपका यहाँ पे ये लेकिन ये जो 20 ग्राम है ना, ये प्योरिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल प्योरिटी का 20 जो ग्राम है प्योर CaCO3 है, 20 ग्राम प्योर CaCO3 है, समझ में आ गया। CaCO3 पूरी तरीके से, अब इसको थोड़ा रिलेट कर लो, अगर 100 ग्राम प्योर CaCO3 होता तो कितना है आपको लीटर मिलता, CO2 22.4 लीटर मिलता, समझ में आ गया। तो अब आपको 4.48 लीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चाहिए, तो ऑब्वियसली इसका अमाउंट भी तो कम होगा CaCO3 की प्योरिटी का, तो वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम, मैंने इतना ही निकाला, मतलब 100, अगर 100 ग्राम का मतलब ये प्योर है CaCO3, तो 100% प्योर में कितना लीटर बनना है 22.4, समझ में आ गया। और क्वेश्चन में 4.48 लीटर CO2 बनाना है, तो कितना आपका यहाँ पे प्योरिटी CaCO3 की होनी चाहिए, तो वो भी तो डिक्रीज करेगी, 22.4 से 4.48 हुआ तो ये भी डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे 20 ग्राम, तो 20 ग्राम अगर प्योर CaCO3 होगा तो आपको मिल जाएगा 4.48 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आ गया, 100% प्योरिटी समझ में आ गई, तो 100% प्योरिटी पे, हाँ क्योंकि क्वेश्चन में 4.48 लीटर पे क्वेश्चन बात की गई है, इसलिए मैंने 4.4 लीटर पे प्योरिटी निकाली है सैंपल की, वो 20 ग्राम CaCO3 है। अब इसी को मैं रिलेट करूंगा, देखो तो क्वेश्चन में उसने 90% बोला था, तो मैं 90 ग्राम से रिलेट कर लेता हूँ, बिल्कुल लॉजिक ही है बिल्कुल। तो 90 ग्राम आपका जो प्योर CaCO3, हम प्योरी लेंगे ना, 90 ग्राम प्योरिटी क्वेश्चन में गिवन है, तो 90 ग्राम प्योर CaCO3 प्रेजेंट इन कितने में प्रेजेंट होगी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 ग्राम सैंपल ऑफ लाइम में प्रेजेंट, तो फिर 1 ग्राम कितने में होगी, 100 डिवाइड बाई 90 ग्राम, ये सैंपल है, ये सैंपल की बात कर रहा हूँ, ये 90 ग्राम आपकी प्योरिटी की बात है। और फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो 20 ग्राम जो निकला था लास्ट में यहाँ पे, तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो सैंपल निकाल रहा हूँ मैं, सैंपल का अमाउंट 100 बाई 90 इंटू 20, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे आपको 9 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आ जाएगा 22.2 ग्राम। और ये क्या होगा, ये सैंपल होगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ सैंपल, ये ग्राम होगा सैंपल का, ठीक है, जो सैंपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, उसमें ये ग्राम, ये पूरा समझ में आ गया, आपका लॉजिक भी लगा थी, मेरी बात सुनना ध्यान से, खाते जाए बेटा ध्यान सुनना, 4.4 लीटर कितने मिली थी मुझे बताओ, 20 ग्राम, लेकिन ये 20 ग्राम 100% प्योर के साथ रिलेट किया था मैंने, तो अब यहाँ पे 90% प्योरिटी, 90% वो प्योरिटी की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ना वो थोड़ा इंक्रीज करेगा, जो सैंपल का अमाउंट है वो 20 से थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, तो वो 22.2 इसलिए निकल के आ रहा है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बस वो एक लॉजिक है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, थोड़ा लॉजिक बैठेंगे तो बिल्कुल आंसर बन जाएगा। चलो हाँ, डाउट क्या है सर, वो 20 ग्राम आया ना हमारा 100% में, उसका ही हम 90% निकालेंगे ना, तो वो 18 ग्राम आता है, किसका निकला है, वो 20 ग्राम आया ना हमारा 100% प्योर, नहीं नहीं हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ये जो 20 ग्राम आया ना वो प्योर CaCO3 आया है, हाँ। लेकिन वो प्योर CaCO3 ना वो 4.4 लीटर कनेक्ट कर रहा है, मेरी बात सुनो, 22.4 लीटर बनाने, अगर गैस बनाना है तो कितना मुझे चाहिए था बताओ, CaCO3 प्योर 100 ग्राम चाहिए था, करेक्ट है, अब यहाँ पे 4.48 लीटर CO2 चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 4.4 लीटर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे हमारा सैंपल कितना होना चाहिए, मतलब प्योर आपका कितना होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा 20, ये जो हम 20 की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली प्योर, ये जो 20 ग्राम लिखा है मैंने, दिस इज एक्चुअली प्योर, ठीक है, दिस इज प्योर 20 ग्राम CaCO3, सैंपल पूरा अलग है, मेरी बात समझ लो, सैंपल देखो लिखा ना प्योर सी, प्योर 100% का मतलब क्या है, दिस इज ओनली CaCO3, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ सैंपल, मेरी बात समझ लो, ये मैंने बात कर रहा हूँ CaCO3 का जो अमाउंट है वो, सैंपल तो पूरा है, सैंपल पूरा 100 ग्राम है, लेकिन जिसमें अगर मैं 100 ग्राम बोल दिया है तो वही सैंपल और वही अमाउंट CaCO3 का हो जाएगा, दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे भाई। 100% प्योर CaCO3 का मतलब क्या है, कि वो जो आपको जो मैंने अगर आपको 100 ग्राम दिया है, मैंने बोला कि CaCO3 100% प्योर है, ये जो सैंपल मैंने दिया है इसमें CaCO3 100% प्योर है, तो मतलब वही CaCO3 है पूरी की पूरी, उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, लेकिन निकाल मुझे 90% पे है, तो मैंने क्या किया है कि 22.4 में कितना अमाउंट है 100 ग्राम, तो 4.48 में कितना होगा 20 ग्राम हो जाएगा, लेकिन 20 ग्राम CaCO3 है, मुझे निकालना सैंपल है,
अब जो 20% का 90% निकालना चाह रहे हो ना, वो एक्चुअली पता क्या है, वो CaCO3 के बारे में बताएगा, CaCO3 के बारे में बताएगा, लेकिन सैंपल के बारे में नहीं बताएगा। ओम हाँ, ये जो 20 ग्राम है ये आपको क्या बताएगा, ये आपको सिर्फ CaCO3 के बारे में बताएगा। 20 ग्राम सिर्फ प्योर CaCO3 है। अगर प्योर, मेरी बात सुनो, 20 ग्राम अगर प्योर CaCO3 होगी, उसको हीटअप करेंगे तो 4.48 लीटर आपको CO2 गैस मिलेगी। 20 ग्राम प्योर CaCO3, मैं सैंपल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मेरी बात समझ लो। और फिर इसको मैंने क्या रिलेट किया है इधर, अब 90% का 90 ग्राम में रिलेट कर लिया है, तो मुझे मुझे सैंपल की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सैंपल की वैल्यू बतानी है, आपको CaCO3 की वैल्यू नहीं बतानी, आपको जो आपका सैंपल है उसका ग्राम बताना है, CaCO3 ग्राम नहीं बताना। नहीं तो हम डायरेक्ट ना यहाँ पे सीधा 90% ना सॉल्व कर लेते 20 का और आंसर निकल के आ जाता। सीधा आंसर निकल के आता अगर आपको सिर्फ CaCO3 के बारे में पूछता, बिकॉज दिस 20 ग्राम इज द वैल्यू ऑफ CaCO3, इस सैंपल की वैल्यू नहीं है। अगर मैं सीधा अगर यहाँ पे CaCO3 के बारे में पूछता ना, तो 20 का मैं 90% निकालता और आंसर सीधा आपका बन जाता है, बिल्कुल बिल्कुल आंसर बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी 90%। लेकिन मुझे सैंपल के बारे में पूछा गया, तो इसलिए मैं उस 90% को मैं रिलेट करूंगा। ये बात समझ लो, हो गया क्लियर? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे। यस, कैलकुलेट मास ऑफ मार्बल। जहां बेटा इसकी दे रखा है, मार्बल ऑल्सो एक कैल्शियम कार्बोनेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन, रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन, क्वेश्चन में गिवन है 250 ml, क्वेश्चन में 280 ml है, 280 ml, राइट, 280 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे आपको गिवन है एट एचटीपी, ठीक है। बाई फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन में आपको यहां पे लिख के देता हूं, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है CaCO3, इसके साथ यहां पे उन्होंने यूज किया है 2 mole ऑफ HCl, अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे हम लोग, CaCl2 प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। ये आपको रिएक्शन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़ो और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो क्वेश्चन में आपका है कैलकुलेट मास ऑफ मार्बल, मार्बल मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट, उसका आपको मास यहाँ पे निकालना है, करेक्ट। रिक्वायर टू ऑप्टेन 280, ये भी रिवर्स जैसा क्वेश्चन है, 280 ml ऑफ CO2, मतलब अगर मुझे 280 ml CO2 चाहिए तो उसमें मार्बल का मास कितना होगा, और क्वेश्चन में डिफाइन है एट HTP, HTP पे आपको बताना है अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन कि इस CaCO3 जो मार्बल है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसका मुझे मास कितना हो, कितना मास डिफाइन हो कि आपको 280 ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाए। समझ में आ गया पूरा, क्लियर है, कितना अमाउंट चाहिए। तो सीधा ऐसे ऐसे पहले बैलेंस कर लो रिएक्शन को, बैलेंस अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसका इजी स्टेप क्या है, इजी स्टेप एक, जब रिएक्शन बैलेंस है तो हम सीधे उसके मोल्स को कनेक्ट करने वाले हैं। मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ बेटा यहाँ पे 1 mole हो गया, यहाँ पे कितना डिफाइन में कर सकता हूँ इसका, 2 mole डिफाइन कर सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ एक CaCl2 कितना हो गया, ये आपका 1 mole हो गया। वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये भी आपका 1 mole बना है, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ये भी 1 mole होगा, परफेक्ट। बस अब देखो आंसर बन जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज बोली गई है तो मुझे बताओ 1 mole CaCO3 का मतलब इसका जो मोलर मास होगा, अरे बताओ मुझे 1 mole का मतलब क्या है, जो इसका मोलर मास होगा। अब ये मोलर मास की बात करें तो यहाँ पे कितना CaCO3 का होगा बताओ मुझे, 100, बिल्कुल सही। तो 100 ग्राम आपका सैंपल जो है वो फॉर्म होगा जब HCl के बारे में कुछ गिवन है नहीं ना पूछा गया है, CaCl2 के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, वाटर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है, जिसके बारे में पूछा गया उसी को रिलेट करना है, सिर्फ CO2 के बारे में पूछा गया है। तो बस CO2 के साथ में CaCO3 रिलेट करूंगा, तो CO2 कितना बना 1 mole, है ना, HTP NTP की बात कर रहा हूँ, CaCO3 कितना है 1 mole,
तो 100 ग्राम CaCO3 आपका यहाँ पे सैंपल की जरूरत पड़ेगी जब आपकी HTP पे जो आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके उसके अगर मैं लीटर को लिखूं, उसके ml लिखूं तो कितना ml में लिख लेता हूँ क्योंकि ऑप्शंस ml से अकॉर्डिंग है, तो 22400 ml करेक्ट है। तो मैंने क्या बोला है HTP NTP पे CO2 आपका कितना होगा 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। इतना ml CO2 अगर बनेगा तो फिर उसमें CaCO3 कितना होना चाहिए 100 ग्राम बन मोल ना 100 ग्राम। समझ में आ गया ना? अब तो क्वेश्चन तो आसान है, इसमें ऊपर क्या दिख रहा है 280 ml पे पूछा गया है। तो बन में कितना होगा डिवाइड कर लेना, फिर 280 ml को मैं सीधा निकाल रहा हूँ, तो 280 ml में कितना होगा बताओ जल्दी से आंसर, 280 ml में कितना हो जाएगा, इधर ये 100 डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा 22400 और इंटू आपका ये 100 इनटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 280 बस ही हो जाएगा ना, 280 में निकालना है 280 बस, इसे सॉल्व करो तो जो जीरो से दो जीरो यहाँ से कैंसिल कर दो, बाकी ऊपर आ जाएगा कितना आपका, ऊपर आ जाएगा 280 डिवाइड बाई नीचे आपका आ जाएगा 224 ये तो आएगा ना। अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो कितने टाइम सम तक जाएगा ये 1.1 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 1.2 समथिंग ऐसा कुछ डाटा आपका निकल के आएगा, तो 1.25 इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो मतलब आपको हाँ बिल्कुल सही हूँ, तो 280 ml अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए तो उसमें मार्बल कितना होना चाहिए 1.25। सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है, क्या दे रखा है बस उसे लॉजिक को रिलेट करो, रिएक्शन को बैलेंस करो और लॉजिक को रिलेट करो, जिसके बारे में पूछा गया उसी को लेकर चलो आंसर बन जाएगा। समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेट था सर। वो अगर हम बैलेंस करेंगे और CaCO3 अगर 2 मोल आता तो वहां पर 200 ग्राम होता ना, ऑब्वियसली, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये CO2 बन मोल था, इफ एनी केस वहां 2 मोल आता तो हम 2 मोल लेके ही सॉल्व करते, बिल्कुल उसका मास उसी तरीके से चेंज होता, क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 2 करके सॉल्व करते। हाँ, क्योंकि ये बन मोल में वो बन मोल बन रहा है। अगर ठीक है मैं CaCO3 को हटा देता हूँ, मैं HCl के बारे में बात करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना कि अगर HCl मैंने CaCO3 के साथ यूज किया तो HCl यहाँ पे 2 मोल मुझे यूज करना पड़ा, तो अगर HCl के साथ कोई रिलेशन CaCO2 का होता या वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ होता तो मैं 2 मोल तो लेता। मोल कॉन्सेप्ट में रिएक्शन बैलेंस करने के पीछे यही है कि आप फॉर्मूले मत लगाओ, रिएक्शन बैलेंस करो, ऐसे क्वेश्चन में सीधा मोल्स को रिलेट करो कि इतने मोल से इतना बनना है तो इतने से कितना बनेगा, क्योंकि हमारे पास मोल्स के साथ ग्राम भी है, वॉल्यूम भी है, नंबर्स भी है, इन्हीं तीन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जा सकती है। तो जब मोल्स ऑलरेडी रिएक्शन बैलेंस करने पे मोल्स आपको दिख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे रिलेट करो आंसर तक पहुंच जाओ, 2 मोल बनना है कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करेंगे उसको CO2 के साथ HCl को। क्लियर हो गया ना? यस सर, यस सर। एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, दो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml फॉस्फीन गैस ऑन हीटिंग, ये आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना इनऑर्गेनिक में, उसी के बारे में ले लेता हूं। 100 ग्राम फॉस्फीन गैस ऑन हीटिंग फॉर्म P4, ठीक है, दिस इज एक्चुअली ए सॉलिड एंड H2 दिस इज ए गैस, ठीक है। फॉस्फीन गैस को हमने हीट किया है तो वहां से क्या बन गया है, P4 आपका सॉलिड बन चुका है और H2 गैस वहां से रिलीज हुई है, करेक्ट। फिर उसने पूछा है वॉल्यूम के बारे में कि जो वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज इन रिएक्शन इज, वॉल्यूम चेंज इन रिएक्शन इज, ठीक है। तो जो रिएक्शन है उसमें वॉल्यूम चेंज के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, लॉजिक लगाएंगे आंसर तक पहुंचेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आपको पता है कि ग्राम दे रखा हो वो सब मोल्स निकालो इजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, हर कोई बच्चा निकाल पाएगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया अगर बात करोगे तो हर कोई बच्चा उसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना सीख गए तो बाकी आप मतलब वो इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर लेगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 100 ml फॉस्फीन, फॉस्फीन का फॉर्मूला पता है PH3, हम लोगों को अच्छे से पता है, ठीक है। उसको मैंने हीट किया है, P4 पर रिएक्शन को पहले लिख लो, तो रिएक्शन को पहले हम लिख लेते हैं, तो रिएक्शन में क्या होगा PH3 बैलेंस करना भी जरूरी है, यहाँ से बन जाएगा P4 आपका ये है सॉलिड और प्लस यहाँ से आपकी H2 गैस और ये है गैस, ठीक है। जरा इसको बैलेंस करो, तो बैलेंस कैसे करें, P4 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर भी फास्फोरस बैलेंस हो गया। अब बात करो हाइड्रोजन की,
4 × 3 कितना हो गया 12, तो इधर भी 12 करना पड़ेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई कर लो, बस रिएक्शन बैलेंस करने आ गई। बिल्कुल अभी किसी ने आंसर निकाला है 50 ml, बिल्कुल सही आंसर निकाला है किसी बच्चे ने। अब देखो ध्यान से सोचो, देखो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोलूं कि अगर ये PH3 गैस है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, इसको मैं 4 volume बोल सकता हूं ना, दिस इज एक्चुअली 4 volume, ठीक है। P4 बेटा सॉलिड है, तो सॉलिड का हम लोग लेते हैं 0, सॉलिड का हम लोग क्या लेते हैं, जो भी सॉलिड मिलते हैं प्योर लिक्विड मिलते हैं उनके हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में पूछा भी नहीं गया है, 0। अब ये सॉलिड है तो ऑलरेडी इसको 0 एक्टिविटीज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 mole या 6 volume, 6 volume क्योंकि इधर भी मैंने वॉल्यूम बोला है तो इधर भी हम लोग वॉल्यूम ही बोल लेते हैं, क्योंकि ये भी आपका 6 volume। तो मैं क्या बोलूं कि एचटीपी एनटीपी पे PH3 अगर 4 volume है तो उसमें H2 गैस कितनी निकल रही है बताओ, 6 volume। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। P4 के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों मैंने नहीं लिखी है, क्यों मैंने 0 लिखा है, बिकॉज ये सॉलिड है तो उसकी एक्टिविटी यहाँ पे आपकी 0 लिख दी है मैंने इनिशियली। हो गया ना, समझ में आ गया, पहले ये बताओ मुझे यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है कि 100 ml फर्स्टजिन गैस ऑन हीटिंग फॉर्म P4 एंड H2, ठीक है। पूछा है वॉल्यूम चेंज इन द रिएक्शन, तो रिएक्शन में जो चेंज इन वॉल्यूम है उसके बारे में उसने बात करी है, ठीक। अच्छा फिर मैं अभी इसको मैं कैसे रिलेट करूँ बताओ मुझे, इसको मैं रिलेट कैसे करूँ, किस तरीके इसको मैं किससे रिलेट करूँ, मैं गैस को रिलेट कैसे करूंगा, कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास 4 volume PH3 है तो उसमें कितना वॉल्यूम आपका H2 है, 6 volume, करेक्ट, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन में 4 volume PH3 था तो आपको H2 गैस कितनी थी, 6 volume, बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन में गिवन है 100 ml, तो मैं यहाँ पे 100 ml लिख लूं, उसको मैं 4 ml लिख सकता हूं, ऊपर 4 ml लिख लो, 4 volume लिख लो, इधर 4 volume तो उधर भी वॉल्यूम, इधर ml तो उधर भी ml, इधर लीटर तो उधर भी लीटर, कोई दिक्कत नहीं बनने वाली है। तो इससे आप 100 volume लिख लो चाहे 100 ml लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो 4 volume में 6 या 4 ml में 6, ऐसे बोल सकते हैं कि 4 ml हमारे पास PH3 है तो उसमें आपका 6 ml क्या बना है, H2, आप ऐसे भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बन में कितना होगा, 6/4, तो 100 में कितना हो जाएगा, 6/4 × 100, इसको सॉल्व करो जरा कितना निकल के आ जाएगा, या आपका 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 आ जाएगा, राइट, बिल्कुल 150 ml निकल के आ जाएगा। ये 150 ml जो निकल के आ रहा है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इनिशियली आपका था 100 ml, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया रिएक्शन होने के बाद तब आपका हो गया कितना, 150 ml। तो चेंज कितने का, तो चेंज जो आएगा वो फाइनल आपका 150 हुआ, इनिशियली आपका 100 था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो जो चेंज आएगा वो 50 का चेंज आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे मैं ऑप्शन पढ़ना चाहूंगा, बताना। पहला ऑप्शन है इसमें ए डिक्रीज ऑफ 50 ml, क्या वॉल्यूम 50 ml डिक्रीज हुआ है, पहला ऑप्शन। हाँ, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ 150 ml, नहीं ये भी नहीं होगा, 150 तो है नहीं। फिर दूसरा है इंक्रीज ऑफ 100 ml, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन इंक्रीज ऑफ 50 ml, तो 50 ml का इंक्रीमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे, करेक्ट, इजी है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, डी ऑप्शन इज करेक्ट, परफेक्ट, समझ में आ गया सभी को यहाँ पे, ये क्वेश्चन लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन आपका है फ्रॉम 200 mg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें उसने बोला है 10^21 molecules, ठीक है, 10^21 है, 21 molecules आर रिमूव्ड, then calculate remaining weight and moles of carbon dioxide। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को एक बार रीड करो और फिर देखो किस तरीके से सॉल्व होगा। देखो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जिसमें वेट नंबर दोनों दे रखे हैं, ठीक है, वेट और नंबर, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वेट भी गिवन है 200 mg CO2 का, और इसमें आपको 10^21 molecules, बात समझ में आ रही है। जब भी एक लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन गिवन हो जिसमें वेट हो और जिसमें नंबर,
दोनों ही गिवन हो, अप्रोक्स दीप्ति ने बोला है 3 मिलीमोल्स समथिंग आंसर है, बिल्कुल 3 मोल्स के आसपास आंसर बनेगा, बिल्कुल सही है। जब इसमें दोनों नंबर्स जो हो बीट अगर दोनों के बिन हो तो दिया हो तो उसमें हम इजी सॉल्व कैसे करते हैं, तो इजी सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मोल्स। जब भी कभी क्वेश्चन में ग्राम के बिन है, बीट के बिन है और नंबर्स के बिन है, तो उस क्वेश्चन को इजी तरीके सॉल्व करने के लिए मोल्स निकाल लेते हैं इनिशियली। इनिशियली मोल्स निकालेंगे आंसर बनेगा, तो इसमें ओम ने निकाला है 2.8 × 10⁻³, बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट आंसर है, इधर भी एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, आप मोल्स निकाल लो, इजी ट्रिक ये है कि आप वहां पे क्या करो मोल्स निकाल लो। तो मोल्स जो आपके रिमूव्ड हैं, ठीक है, जो आपके मोल्स यहाँ पे रिमूव्ड हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ रिमूव, जो रिमूव मोल्स होंगे वो कैसे निकाले जाएंगे, 10^21 मॉलिक्यूल्स आपके रिमूव किए जा रहे हैं, तो 10^21 डिवाइड बाई नीचे वही आपका 6 ले लो, राउंड ऑफ कर लो, 6 लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में बहुत चेंज नहीं आता है, ठीक है, अबगाडो नंबर में, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको मोल्स डिफाइन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, मॉलिक्यूलर वेट CO2 का 44 ग्राम, यही ना, बताओ मुझे, ओके डन, बिल्कुल 44 ग्राम आपको मॉलिक्यूलर वेट। तो अब मैं इसको, हाँ अब मैं दूसरे तरीके से भी निकालू यहाँ पे कि मोल्स ऑफ रिमूव्ड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ रिमूव्ड, वेट ऑफ रिमूव्ड डिवाइड बाय नीचे आपका हो जाएगा मॉलिकुलर वेट ऑफ रिमूव्ड जो होगा वो। तो मतलब जो मोल्स ऑफ रिमूव्ड आपको निकालना है तो हर जगह रिमूव्ड पार्ट ही लेना पड़ेगा आपको, मतलब मोल्स ऑफ रिमूव्ड इज इक्वल टू, लॉजिक बहुत सारे हैं, मैं आपको एक इसका लॉजिक दे रहा हूँ, लॉजिक तो बहुत सारे हैं, मोल्स ऑफ रिमूव्ड इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी इजी ट्रिक भी बताऊंगा मैं, वेट ऑफ रिमूव डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिमूव, तो हर किसी पार्ट को आपको रिमूव में ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहां से हम बात करेंगे, तो पहले निकालो वेट ऑफ रिमूव कितना हुआ, वेट ऑफ रिमूव, तो बताओ वेट ऑफ रिमूव पार्ट कितना होगा, वेट ऑफ रिमूव पार्ट कितना, कि भाई ये तो इनिशियली आपको कहता था 44 था ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बताओ मुझे, मिलीग्राम में आपको लिखना पड़ेगा, ग्राम है तो कितना हो जाएगा 44 × कितना लिखूं मैं, 10^10 कितना, 44 × कितना लिख सकता हूं मैं इसे बताओ, क्योंकि 20 मिलीग्राम और CO2 में ये है और उसी का आपके मोल्स उसके मॉलिक्यूल्स में 10^21, तो मैं लिख सकता हूं इसको ना 44, तो वेट ऑफ रिमूव्ड मैं निकाल रहा हूं तो 44 × 10^21 डिवाइड बाय नीचे मैं एवोगाड्रो नंबर 6 × 10^23, और जरा इसे सॉल्व करो तो मिलीग्राम में वेट ऑफ रिमूव्ड आ जाएगा 73.1 मिलीग्राम, ये आ गया आपका वेट ऑफ रिमूव। अब इस वेट ऑफ रिमूव जब आ गया तो रिमेनिंग वेट ऑफ CO2 निकाल सकते हैं, तो रिमेनिंग वेट कितना आ जाएगा, उसमें से 200 जो 200 mg था CO2 का, उस 200 में से माइनस करेंगे हम लोग 73.1 को, तो यहां से निकल के आ जाएगा रिमेनिंग वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिमेनिंग वेट कितना होगा भाई, इनिशियली था 200, टोटल 200 में से ये वेट ऑफ रिमूव को निकाल दो ना, 200 इनिशियली था, टोटल था, उसमें से रिमूव पार्ट कितना है 73.1, इसको माइनस कर दो, इसको जैसे माइनस करो तो रिमेनिंग आपको वेट मिल जाएगा CO2 का, तो रिमेनिंग वेट कितना आएगा माइनस करने के बाद 200 − 73.1, तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 126.9 मिलीग्राम समथिंग आ जाएगा, ये आपका होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिमेनिंग पार्ट आपका जो है ये देखो, तो रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व कैसे करें, रिमेनिंग मोल ऑफ CO2 लगाएंगे तो रिमेनिंग वेट ऑफ CO2 ऊपर डिवाइड बाय रिमेनिंग मॉलिक्यूलर वेट, तो बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो जरा मैं एक बार इसको सॉल्व कर देता हूं रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, एक सेकेंड, 126.9 आ गया ना यहाँ, तो क्लियर हो गया है, एक सेकेंड ये क्लियर हो जाए फिर हम बात करते हैं, यस। अब देखो तो अगर मैं यहाँ पे जब इसको सॉल्व करूंगा रिमेनिंग मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमेनिंग मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा तो ऊपर रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग वेट होगा आपका CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का डिवाइड बाई नीचे होगा आपका रिमेनिंग मॉलिक्यूलर वेट, तो रिमेनिंग वेट कितना वो आपका भी आया था यहाँ पे 126.9 ना, तो 126.9 मिलीग्राम डिवाइड बाई नीचे आपका होगा 44 लिखेंगे ना हम लोग, तो इसको अब इससे उठा के अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी इसकी, ये समथिंग आपका 4 × अगर मैं करूंगा 3 तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 3 से कम ही आएगा, ये हो जाएगा 2.8 × 10^-3 आपका, ये आपका यहाँ पे वैल्यू बचेगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन में यहां भी आपका वही लॉजिक है। देखो क्वेश्चंस इजी भी बन सकते हैं, इजी क्वेश्चंस में आप बिल्कुल फाइंड आउट कर लोगे मोल्स के बारे में है, बाकी कल परसेंटेज कंपोजिशन कुछ बताए थे, ठीक है, वहां भी कुछ क्वेश्चन लॉजिकल थे। तो जो क्वेश्चन लॉजिकल है अगर वो हमें करने आते हैं तो बाकी मुझे इजी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है, इसलिए इस टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन बस ये था कि ग्राम गिवन है और अगर मोल्स पार्टिकल्स गिवन है तो आप पहले मोल्स निकालो। और मैं एक बार फिर से समराइज करता हूँ, तो मोल्स कितना रिमूव्ड होगा आपको, 10^21 डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, रिमूव्ड मोल्स आपके डिफाइन हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 44 आपको ऑलरेडी पता है। फिर क्योंकि CO2 के बारे में ही बात की जा रही है तो मोल्स ऑफ रिमूव कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ रिमूव डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिमूव, सब कुछ रिमूव वाला सेक्शन होगा, वही मोल्स का हमारा सिंपल फॉर्मूला। समझ में आ गया? अब कैसे निकालना है, तो निकालने का तरीका देखो वही था। इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ पे और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जब मैंने आपको लिखा था यहाँ पे लिखा था मैंने मोल्स ऑफ रिमूव्ड इक्वल टू लिखा था वेट ऑफ रिमूव्ड डिवाइड बाई लिखा था नीचे मैंने वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ जो भी आपका रिमूव्ड सेक्शन था। तो हम लोग यहाँ पे मोल्स ऑफ रिमूव वाला भी निकाला था इनिशियली। मोल्स ऑफ रिमूव कितना था, 10^10, वही था ना, 10^21 डिवाइड बाई 6×10^23, ये तो निकाला था ना इनिशियली मैंने फॉर्मूले से, जो गिवन वैल्यूज गिवन थी वहां से मोल्स ऑफ रिमूव। इधर वेट हम कितना, तो वेट आपको निकालना, वेट ऑफ रिमूव वो आपको निकालना होगा डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना है 44, बस इसलिए तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था जो 44×10^21 लिखा था मैंने, याद करो लिखा था ना मैंने, यही पार्ट लिखा था मैंने 44×10^21 डिवाइड बाई 6×10^23, तो वेट ऑफ रिमूव्ड आ गया था। तो लास्ट में सब कुछ रिमूव्ड चाहिए रिमेनिंग वाला, तो फिर रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, तो 200 में से जो अभी वेट ऑफ रिमूव्ड आ जाएगा, वेट ऑफ रिमूव्ड माइनस कर देंगे 200 में से जो इनिशियली गिवन था, सब कुछ रिमेनिंग आ जाएगा, बस रिमेनिंग को लेकर सॉल्व करना है, तो रिमेनिंग मोल्स आपका CO2 का आ जाएगा। ये क्वेश्चन था, ओके समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम कितना हुआ है, ओके एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे, यस एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। आप ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, इनको आप अच्छे से फिर देख भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मोल्स, लास्ट क्वेश्चन है, मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हीटेड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस एट HTP, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पहले रीड कर लो अच्छे से, क्वेश्चन में जो दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हीटेड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर ऑक्सीजन एट HTP। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का नाम दे रखा है, तो आधे लोगों को तो ये पता नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, आप सिंपल क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे थोड़े अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो करना जरूरी है, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोरेट ये क्वेश्चन में है और पूछा उसने हाउ मेनी मोल्स, पहले तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, फिर उसने ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता है पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, KClO3 को हीट कर दो, एक पोटेशियम क्लोरेट है, तो यहां से बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है, KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, बाकी बैलेंस करना आपका काम है। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 2 मोल्स हो जाएगा, इसकी बात करेंगे तो 3 मोल्स हो जाएगा। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, जब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है 2 मोल्स, तो 2 मोल KCl3 को मैंने हीट किया तो क्या बन गया, 2 मोल आपका बन गया यहाँ से KCl और 3 मोल बन गया आपका ऑक्सीजन गैस। समझ में आ गया, नॉर्मल कंडीशन है HTP कंडीशन पे, ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया। अच्छा अब सीधे आप लैंग्वेज पे आ जाओ, इसके बारे में पूछा गया है, किसको रिलेट किया गया, बस उसको देखो, इसको रिलेट नहीं किया गया है, इसके साथ इसको रिलेट किया गया है, बस इन दोनों को रिलेट करो, बस ये चलो को लेके आने नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर 3 मोल अगर ऑक्सीजन, 3 मोल ऑक्सीजन आपको क्या हो रही है बताओ, 3 मोल ऑक्सीजन अगर आपकी प्रोड्यूस हो रही है तो कितना मोल KClO3 है बताओ, 2 मोल। तो मैं सीधा लिख लूं कि 3 मोल में आपको कितना डिफरेंट, 3 मोल का मतलब अगर आप HTP पे बात करोगे तो कितना हो जाएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 3×22.4 ना, 3×22.4 लीटर मान लेते हैं पूरा इसे, ठीक है। तो इतना लीटर में कितना आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है KClO3, वो आपका है 2 मोल, परफेक्ट। फिर निकालना है 1 पे, तो 2 डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा, और निकालना कितने पे है, 5.6 पे,
5.6 पे निकालना है ना, तो 5.6 पे निकाल लो सीधा ऐसे। तो इसको मैं देखो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 3 डिवाइड बाई, और नीचे आपका हो जाएगा 5.6 पे निकालना है 3 डिवाइड बाई, और ऊपर आपका 2 होगा। 1 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है ना, 1 सेकेंड, ओके 2 ही होगा ना, 2 ऊपर होगा, नीचे होगा आपका 3 × 22.4। यस, लीटर में उसको चेंज किया था मैंने, और किसमें निकलना, 5.6 में इनटू 5.6 का मल्टीप्लाई, बस इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1/6 मोल, 1/6 मोल ऑफ KClO3, बस यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को जरूर देखो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, चलो, लेकिन इनको देख लेना अच्छे से, तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी।